So in this particular video, I'm going to tell you about what is Aari work and what is Zardozi work. तो सबसे पहले हम बात करते हैं Zardozi work की कि Zardozi work क्या है, Zardozi work को कैसे करते हैं और Zardozi work को लोग ज़्यादा क्यों पसंद करते हैं. ईरान कंट्री का नाम तो आपने सुना ही होगा. ये जो कंट्री है, इस कंट्री का नाम 1935 से पहले नाम हुआ करता था पर्शिया. तो अब ये जो पर्शिया कंट्री है, इस पर्शिया कंट्री में लैंग्वेज बोली जाती थी पर्शियन. तो पर्शियन लैंग्वेज में एक वर्ड है जिसको हम लोग कहते हैं Zardozi. अब इस वर्ड को दो हिस्सों में बांटा गया है. पहला है जर और दूसरा है दोजी. तो जर का मतलब होता है गोल्ड या फिर येल्लो या फिर सुनहरा कह सकते हैं, और दोजी का मतलब होता है स्विंग करना या फिर किसी चीज़ में छेद करना या फिर वर्क कह सकते हैं. तो Zardozi का एक्चुअल में मतलब होता है गोल्ड वर्क या फिर गोल्ड एम्ब्रॉयडरी. तो अब बात करते हैं कि लोग Zardozi वर्क को ज़्यादा क्यों पसंद करते हैं. एक्चुअल में जो पहले प्रिंसेस हुआ करते थे, राजा महाराजा हुआ करते थे, उन लोगों को गोल्ड का वर्क बहुत ज़्यादा पसंद हुआ करता था. यानी कि वो लोग सिल्वर एंड गोल्ड के धागे बनवाया करते थे और अलग अलग मटेरियल्स बनवाया करते थे और उन मटेरियल्स को अपने ड्रेसेस में यूज़ करते थे. तो इसलिए वो लोग जो है उस वर्क को एज अ Zardozi वर्क के नाम से बुलाते थे. और आज के दिनों में ये लोग इसलिए ज़्यादा पसंद करते हैं क्योंकि ये एक रॉयल्टी दिखाता है, ये एक प्रोफेशनली एज अ प्रिंसेस के ड्रेसेस का शो ऑफ करता है, इसलिए लोग इसको ज़्यादा पसंद करते हैं. कुछ लोग Zardozi वर्क को जो नॉर्मल नीडल से वर्क करते हैं उसे Zardozi वर्क कहते हैं. कुछ लोग स्प्रिंग यानी फ्रेंच वायर या फिर दबका को Zardozi वर्क कहते हैं, बट ये एक्चुअल में गलत है. जितने भी तरह का गोल्ड वर्क होते हैं यानी कि गोल्डन वर्क होते हैं, सभी को हम लोग एज अ Zardozi वर्क कह सकते हैं. तो अब बात करते हैं Aari वर्क की. Aari जो वर्ड है वो एक ट्रेडिशनल नीडल का नाम है जिसे हम लोग प्रोफेशनली Aari नीडल कहते हैं. तो अब ये जो नीडल है, जो आप नीडल देख रहे हैं, ये नीडल से हम लोग जितने भी वर्क करते हैं, जिस भी तरह का वर्क करते हैं या फिर जो भी मटेरियल्स को स्टिचिंग करते हैं, हर एक वर्क को हम लोग एज अ Aari वर्क के नाम से जानते हैं. यानी कि इस नीडल से जितने भी सारे वर्क किए जाएंगे, हर एक वर्क को हम लोग एज अ Aari वर्क कहने वाले हैं, चाहे वो Zardozi वर्क हो या फिर मिरर वर्क हो या फिर गोटापत्ती वर्क हो या फिर किसी भी तरह का वर्क हो, सारे को हम लोग यानी कि जितने भी वर्क हम लोग इस वाली नीडल से करने वाले हैं, सभी वर्क को हम लोग Aari वर्क कहने वाले हैं. तो उम्मीद है आप लोगों को ये जो Zardozi वर्क है एंड Aari वर्क है, इन दोनों का डिफरेंस पता चल गया होगा. और इसके ऊपर मैं आने वाले टाइम्स में मैं डिटेल में वीडियो बनाऊँगा Zardozi एंड जरी एंड Aari वर्क और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको लेकर के स्पेशली बिगिनर्स लोगों को कन्फ्यूजन होती है. तो इसके ऊपर मैं एक डिटेल्ड वीडियो बनाने वाला हूँ. ओके, सो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. अगर पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादातर लोगों के साथ शेयर करें जो स्पेशली बिगिनर्स हैं, ताकि उन लोगों को एक्चुअली में डिफरेंस पता चले. और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग.